It's game time, squad. दोस्तों, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि गेमिंग ईयरफोन्स इतने सस्ते हो सकते हैं। यह है सिर्फ 699 का गेमिंग ईयरफोन। बढ़िया सा गूगल असिस्टेंट सपोर्ट मिलता है, नॉइस कैंसलेशन है और ड्यूल पैरिंग ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि एक टाइम में दो डिवाइस अटैच कर सकते हैं। तो यह है फैंटम का 110 नेक बैंड जो है विंग की तरफ से। अब प्राइसिंग की बात करें तो डब्बे पे तो यार जैसे मैंने बताया ज़्यादा ही लिखा होता है, 1999 लिखा है, बट ये सिर्फ आपको अमेज़ॉन पे 699 का खरीदने मिलेगा। तो जैसे आपने शुरू में इंट्रो देखा, सारी टेस्टिंग में बताऊंगा और बताऊंगा कि भाई रियल लाइफ में जो है ये ईयरफोन्स कितना कारगर है, कितना बेहतरीन हो सकता है। तो सबसे पहले तो बॉक्स के अंदर वी हैव अ नेक बैंड और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो देखने मिल जाएगी। तो सबसे पहले है कुछ पेपर वर्क्स जिसे चाहे तो पढ़ सकती है, और साथ में है वी हैव सम एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और ईयर हुक्स भी मिलते हैं। तो जॉगिंग वॉकिंग करते वक्त ईयरफोन्स गिरेंगे नहीं, तो ये बढ़िया, इसको लगा लीजिएगा अपने ईयरफोन्स के अंदर। और टाइप सी का चार्जिंग केबल तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है यहाँ पर, और फैंटम का बढ़िया सा यूज़र मैनुअल, तो रीड कर लेना अच्छी तरह से। अब डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगा है मुझे, बिकॉज फुल्ली रबराइज फिनिश है, टच जो है एकदम वेलवेट फिनिश जैसा जो है फील होता है हाथ में, तो बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है। बटन्स थोड़े से ज़्यादा दिए हैं, वी हैव अ चार्जिंग पोर्ट, और क्वालिटी लुक्स वेरी गुड, डिसेंट क्वालिटी है। मेरे को तो ऐसा है कि भाई 699 में इतना प्रीमियम ईयरफोन्स आ सकता है, मेरे को लगा नहीं था, बट ये हाथ में आने के बाद इट लुक्स वेरी प्रीमियम, मज़ेदार ईयरफोन्स है। वक्त के साथ वैसे शायद ये रबराइज फिनिश थोड़ा स्टिकीनेस हाथ में फील कराए, बट यस, अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यह है ईयरफोन्स, बढ़िया से 13mm के ड्राइवर दिए गए हैं, और भैया बहुत ही बढ़िया नज़र आते हैं ईयर हुक्स के साथ में, तो अच्छे नज़र आती है। फुली बॉडी जो है एलुमिनियम की बनाई गई है और डिसेंट डिज़ाइन है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रखा गया है, बट यस, साउंड क्वालिटी कैसी थोड़ी देर में जानेंगे। वायर क्वालिटी इज़ गुड, थिक वायर दिया है तो टूटने का खतरा नहीं आपको फील होगा। अब बढ़ती है इसके बटन की तरफ, तो ये जो बटन्स हैं इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, तो डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी है, बेस मोड भी है, कैसे इसको ऑपरेट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जब आप डबल टैप करेंगे तो ये बेस मोड में एंटर हो रहा है, फिर से डबल टैप करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में एंटर होगा, बेस मोड और नॉर्मल मोड। अब है गेमिंग की तरफ, इट्स गेम टाइम स्क्वाड, सिंगल बटन दबाइए, गेमिंग मोड में एंटर हो सकते हैं, एक्सिटिंग गेम मोड, सेम मोड सेम बटन बाहर निकलने के लिए, इट्स गेम टाइम स्क्वाड। तो अब कुछ गेम खेल के दिखाते हैं आपको कि गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे मैं खेल नहीं पाऊंगा बिकॉज मैंने एक हाथ में माइक्रोफोन पकड़ के रखा हुआ है, बट यहाँ पे देख सकते हैं 50 ms की लो लेटेंसी मिलती है, तो इंस्टेंटली जो साउंड है वो आप ईयरफोन पे सुन पा रहे होंगे। जैसे देखिए मैं बटन दबाता हूँ, ये देखिए ये साउंड आ रहा है। वैसे 45 ms होता तो शायद और बढ़िया मुझे लगता, शायद 50 ms में थोड़ा मेरे को फील होता है कि हल्का सा है, बहुत ही हल्का सा, एकदम माइनर, जो आप शायद पकड़ भी नहीं पाओगे, बट 40 ms इज़ गुड। इसी के साथ जो बाकी के बटन है वो वॉल्यूम के हैं, प्ले पॉज के बटन है एंड माइनस फॉर वॉल्यूम डाउन, सेम ट्रैक को भी चेंज कर सकते हैं। और पीछे की तरफ वी हैव अ माइक्रोफोन और अपना जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिया है। और अब बढ़ती हैं गेमिंग परफॉर्मेंस तो देख लिया है, आगे बढ़ती है साउंड टेस्ट की तरफ कि साउंड कैसा प्रोड्यूस होता है जब आप बेस मोड में सुने या नॉर्मल मोड में सुने।
अब दोस्तों बात आती है साउंड की तरफ। तो यस डेफिनेटली साउंड बहुत बढ़िया है। बेस मोड में जो है थोड़ा सा जो नॉइस कैंसलेशन का जो फंडा होता है वैसा थोड़ा सा फील होता है कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिल हो गई और बढ़िया सा साउंड जो है कानों तक आ रहा है। बेस इज वेरी रिच, बहुत मजा आएगा आपको बेसी म्यूजिक सुनने में। पर मेरे को ज्यादा ना नॉर्मल मोड में मजा आ रहा था सुनने के लिए, बिकॉज बेसी म्यूजिक में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दबा दबा सा म्यूजिक आ रहा है, जबकि नॉर्मल मोड में खुले खुले से वोकल लग रहे थे और मजा भी आ रहा था। तो अच्छा है कि दो मोड दिया है तो बंदा जो है अपने हिसाब से ट्यून कर सकता है। साथ में ENC माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन की टेस्टिंग भी हमने कर ली है, बहुत ही बढ़िया सी है। 20 घंटे का प्लेबैक मिलता है सिंगल चार्जिंग पे, और यार 15 मिनट चार्ज करोगे तो 7 घंटे का आपको प्लेबैक मिलेगा, तो फास्ट चार्जिंग भी जो है ये सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है जिससे कनेक्टिविटी थोड़ी फास्ट हो जाती है, जैसे ही आप ऑन करेंगे अपने ईयरफोन्स को तो वैसे ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। और भैया बेस मोड जो है वो तो लाजवाब था, मज़ेदार था, और गेमिंग मोड भी इज़ गुड, 50 ms की लो लेटेंसी मिलती है आपको। प्राइस जैसे मैंने बताया सिर्फ 699 में इसे आप खरीद सकते हैं, बहुत ही सस्ती प्राइसिंग है अभी के लिए। बढ़िया से ईयरफोन्स लगी है, खरीदना है तो ज़रूर खरीदिए। परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मैंने दिया हुआ है, क्लिक करके सीधे बायआउट कर सकते हैं। वैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे शायद आपको 5,000 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर कोई ऑफर हुआ तो। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन ठोकिए, वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम आपके लिए ही लेकर आती हैं, और यार वो बेल आइकन भी जरूर दबाना। चलिए फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।